लेज़र अलाइनमेंट चेक करेंगे हम लोग। ये आप देखिए स्पाइडर कपलिंग है, बट इसमें भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एकदम एक्यूरेसी चाहिए तो आप इसमें टेफलॉन जो मास्किंग टेप चिपका सकते ताकि मूव ना हो, बट इवन मूव भी होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ये भी चेक, क्योंकि हम लोग नॉर्मली फ्लेक्सिकल कपलिंग में ये सब चीज़ चेक करते हैं, बट इसमें भी मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ कैसे सेट करना है। श्योर कर लेना है कि जो यम लिखा हुआ है मतलब ये मूवेबल है, मोटर मूवेबल है, क्योंकि हम लोग अलाइनमेंट मोटर से करेंगे। तो ये मूवेबल सेंसर है, ये जो मोटर के हब पे लगा होना चाहिए। मूवेबल यहाँ फिक्स किया, अभी हमें स्टेशनरी वाला जो है लेज़र वो पंप के हब में हम लोग लगाएंगे, ठीक है। लगाइए राम बालक सर। तो हमें पहले कोई भी एक जो है सेंसर को यहाँ फिक्स कर लेना है किसी डिग्री पे। कपलिंग तो आपका इधर उधर होगा, तो एक को कोई भी आप फिक्स कर ले, उसके बाद दूसरे वाले को हम लोग उसके हिसाब से मिला ले, ठीक है। हाँ, फिर ये लेज़र एप्लीकेशन की जो है एप्लीकेशन को खोलना है। बैक में जाएंगे, ये पहले का हमारा अलाइनमेंट है, ये लेज़र दोनों कनेक्ट हो जाएंगे हमारे, देखिए ये हम मेड। दोनों लेज़र कनेक्ट हो गए, फिर हमें यहाँ राइट क्लिक करना है। ये जो रेड लाइन है ना, ये यहाँ हमें मैच कर लेनी, ये वाइट इसके बीच में कहीं भी रहे चलेगा, कोई मुश्किल नहीं। इसे देखिए दोनों में हमने कर लिए है ना, ये लेज़र ऐसा मैच होना चाहिए। हमारे जो लेज़र है ना, ये वर्टिकल पोजीशन में हमें यहाँ रखे हैं। आज हमारे सीनियर टेक्नीशियन मिस्टर राम बालक, हाय राम बालक, आप कहाँ से हो? बिहार। बिहार से। तो ये हमारे रोटेटिंग टेक्नीशियन है और आज हम लेज़र अलाइनमेंट करने जा रहे हैं। ये अपनी कपलिंग है, इसमें स्पाइडर लगा हुआ है, फिर भी हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। या अगर ज़्यादा प्ले है तो आप इसमें मास्किंग टेप लपेटिए तो आपका लेज़र ज़्यादा हिलेगा नहीं, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंगों में करते हैं, वो फिक्स रहती है, लेकिन इसमें अगर हिलेगा भी तो आप, लेकिन ये कपलिंग सही है, इसमें ज़्यादा एरर नहीं आ रहा, हिलेगा नहीं, आप लेज़र की रीडिंग ले सकते हो। तो ये हमारा लेज़र का अभी फिक्स हमने कर लिया है और अभी ये हमारा मेज़रमेंट का टाइम है, तो हम मेज़रमेंट के लिए मेज़रमेंट के ऑप्शन में दबाएंगे। तो ये हमें खुद ही बताएगा हमें कौन सा लेना है, लेज़र टू लेज़र का डिस्टेंस हमें नापना है। ठीक है, तो हमें यहाँ 125 mm डाल देना है और वो बाकी का आधा वो खुद ही कैलकुलेट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट में दबाएगा तो हमें बोलेगा कि लेज़र फर्स्ट जो मोटर का लेज़र है उससे मोटर का फ्रंट फुट का हमें बोल्ट का सेंटर नापना है, ठीक है। तो हमें अंदाजी इसको हम लोग चेन को सीधा कर लिया हमने, आप कोई स्केल भी लगा सकते हो जो भी आपको लगाना है। 260 हमें डाल देना है यहाँ, 260, ठीक है, और इंटर कर देना है। फिर नहीं बोलेगा कि जो मोटर का है बेस के दो बोल्ट टू बोल्ट 310 दो चार mm कम ज़्यादा भी चलेगा, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो इसका RPM डाल देना है हमें, देखिए यहाँ लिखा है 1785, तो हम डाल दिए 2002000 हो गया। उसके बाद हमें मेजरमेंट के जाना है, तो हमारा जो अगर ये वर्टिकल पोजीशन में ले रहे तो लेज़र को वर्टिकल पोजीशन में ही रखें और हमें मेजरमेंट का ये बटन को दबाना है। और देख ले आप डिग्री आपकी 0.8 है, इसकी -1.3 ये चलेगा, आप मिनिमाइज़ कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल सकता है, ठीक है। आपके लेज़र है जो वाइट लाइन के है इसके बीच में चमकने चाहिए दोनों, और फिर आप मेजरमेंट के बटन पर दबाएंगे तो आपको खुद ही बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमें घुमाना है। तो हमें अभी उस डायरेक्शन में घुमाना है 90 डिग्री में जी। चलेगा, अभी रोक के रखिए, ये सेंस करने तक हमें कपलिंग को हिलाना नहीं है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमें ऊपर लेंगे, 90 डिग्री वाश शो करेगा, चलेगा।
90 डिग्री है उसके आसपास में हम लोग रीडिंग ले सकते हैं जब वो ग्रीन हो जाए। फिर इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में हम आएंगे, आपको ये 180 बताएगा यहाँ, उस समय हमें रोक देना है और थोड़ा बस चलेगा, ग्रीन हो गया हम बस अभी वही रोक देना है। अभी आपको सेंस करके आपकी सारी रीडिंग्स कितना आउट है क्या सब कुछ बता देगा। तो देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिसअलाइन है, ये आपको दिखा रहा है रीडिंग। तो अगर हम यहाँ देखेंगे ये आपको हॉरिजॉन्टल का दिखा रहा है साइड आउट, ये वर्टिकल का दिखा रहा है आपको। और फिर अगर हम यहाँ दबाएंगे तो हमको सिम करेक्शन ही खुद ही बता देगा। तो इसमें देखिए हमें बता रहा है कि 0.75 mm आगे में डालना है और 1.45 mm हमें पीछे में डालना है मोटर में। और अगर हम साइड भी देखें तो साइड आउट भी हमें ये बता देगा, हमें उसके लिए वर्टिकल कर हमें साइड में देखना है तो साइड में हम लोग लेज़र को साइड में लेके आएंगे। देखिए आपको ये साइड आउट बताएगा अभी, तो आप ये साइड है, यहाँ से आप लेज़र को साइड में रख के साइड को एडजस्ट कर सकते हैं। जो बोल रहा है अभी प्लस 0.4 इधर लाना है मोटर को और आगे से प्लस 0.21 इधर लाना है, ठीक है। तो ये आपको मिला देंगे, तो पहले आपको साइड मिला लेना है, उसके बाद फिर आप सिम करेक्शन कर देना है, फिर साइड मिला लेना और फिर एक बार रीडिंग लेना है, आपको बताएगा, ठीक है। चलो दोस्तों ऐसे आप फॉलो करते रहे।